मुजफ्फर सुलहरी सदर मुस्लिम नून लीग का शायर, मलिक इब्राहिम हुसैन सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम नून लीग का शायर की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के पाकिस्तान का वजीर आजम बनने की खुशी में मुस्लिम नून लीग का शायर के अहदेदारों और कारकुनों के एजाज में ब्लैकबर्न के मुकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें मुकामी समाजी सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में मुफीर आफ्ताब अहमद गुजर, चौधरी शकील अहमद, चौधरी अशरफ जट, चौधरी फारूक अजीम भी शामिल थे। इस मौके पर मुस्लिम नून लीग का शायर के सदर मुजफ्फर सुलहरी ने कहा कि पीटीए की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं किया, आवाम को तारीखी महंगाई का तोहफा दिया और अब मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ इंशाल्लाह मुल्क को दोबारा तरक्की की तरफ गामजन करेंगे और आवाम के लिए बहुत जल्द अच्छे पैकेजेस देंगे। मुस्लिम नून लीग का शायर के जनरल सेक्रेटरी मलिक इब्राहिम हुसैन का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क की मौशियत को तबाह करके रख दिया है, 3.5 साल में कर्जे लेने के रिकॉर्ड कायम कर दिए, मुल्क की आवाम दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, इनके हवालियों ने करप्शन की हदें पार कर दी, अब जमहूरी तरीके से तब्दीली आई है, अब आवाम को रिलीफ मिलेगा, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान में होंगे। चौधरी शकील अहमद और अशरफ जट ने वजीर आजम बनने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद दी। आखिर में पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और अफ्तारी में लोगों को लाहौरी खाने पेश किए गए। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।